भलाई करना है, पर मसीही खिदमत क्या है? मसीही खिदमत एक कायल दिल के साथ ऐसे काम करना है जिससे खुदा की मोहब्बत का इजहार। एक ऐसा दिल जो विलिंग है, जो कायल है, जिसके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको करना ही करना है वरना ये हो जाएगा। एक कायल दिल है, जो विलिंग है, उस दिल के साथ ऐसे काम करना है जिससे खुदा की मोहब्बत का इजहार। अच्छा, वो काम क्या हो सकते हैं? एक काम ये हो सकता है जो मैं यहाँ खड़ी होकर कर रही हूँ, यानी कि खुदावन के कलाम की खिदमत, खुदावन का कलाम सुनाना। और फिर दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि लोगों के साथ भलाई कर, ठीक है, लोगों की मदद करना। और मैं खुदावन का शुक्रिया इस बात के लिए भी अदा करती हूँ कि जिस कलीसिया में खुदावन ने रखा है उसके पास बहन दोनों तरह की खिदमत करते हैं। तो मेरे दिल में कि हम पास्टर शहजाद की इंकरेजमेंट के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि वो दोनों तरह से कलाम भी सुनाते हैं और किसी की मदद से वो पीछे नहीं रहते, ये हम सबने देखा है। तो मेरे लिए एक इंकरेजमेंट की बात है। फिर जब हम खिदमत को देख ही रहे हैं, तो अब हम देखते हैं कि खिदमत क्या तकाजा करती है, मसीही खिदमत क्या तकाजा करती है। मैं आपके सामने एक रेफरेंस रखूंगी, हम उसे खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि फिर हम अपने मेन रेफरेंस की तरफ जाएंगे। लेकिन हम याकूब को जानते हैं जो यीशु का भाई भी था। वो सिर्फ वैसे ही भाई नहीं था, रूहानी भाई नहीं था, वो उसका बायोलॉजिकल ब्रदर भी था, यानी कि मरियम और यूसुफ के, यीशु के बाद जो बच्चे हुए तो याकूब उनमें से है। तो याकूब जब खत लिखता है, उसकी पहले बाब की पहली आयत में वो क्या लिखता है, हमें पता है कि जब खतूत लिखे जाते हैं, हम सब ने खुदा के कलाम का मुताला किया है, तो हम खुदा के कलाम में से जब खतूत को देखते हैं तो हम देखते हैं कि शुरू में इंट्रोडक्शन होता है, तारुफ होता है और सलाम लिखा जाता है। तो याकूब जब वहां पर अपना इंट्रोडक्शन करा और कलीसिया के नाम सलाम लिख रहा है, तो अपना इंट्रोडक्शन ये कह के नहीं करवाता कि मैं वो याकूब जो यीशु का बायोलॉजिकल ब्रदर या यीशु के माँ बाप मरियम और यूसुफ का बेटा, मगर वो कहता है कि मैं खुदा और खुदा यीशु का बंदा। और जब हम इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में, यानी कि ग्रीक यूनानी जिसमें नया एहनामा लिखा गया, जब हम इसका मुताला करते हैं, तो जो लव्स बंदे की जगह इस्तेमाल किया गया है वो है दुलोस, ठीक है, वो है दुलोस। अब बाइबल के अंदर यूनानी जबान में दो अल्फाज जो है वो खिदमत करने वाले के लिए इस्तेमाल किए, एक डायकोनोस, ठीक है, या उसको डियाकोनोस भी कहते हैं, और दूसरा है दुलोस। और जो याकुनोस है उसका मतलब है सर्वेंट, यानी कि नौकर। लेकिन जिस लफ्ज का इस्तेमाल खुदा का बंदा याकूब अपने खत में अपने इंट्रोडक्शन के लिए करता है वो है दुलोस, जिसका मतलब है गुलाम। अब दो उर्दू के अल्फाज हैं, नौकर और गुलाम। मैं जानती हूँ कि हमारी जमात में जो लोग हैं वो उर्दू जबान से वाकिफ हैं, और हमारी जो जबान है वो है ही उर्दू, तो आप बखूबी जानते हैं कि नौकर कौन होता है और गुलाम। तो मेरी मदद कीजिए और थोड़े से हम जरा डिफरेंशिएट अगर कर सके, हम देख सकें कि गुलाम और नौकर में क्या फर्क है, तो प्लीज आप बताइए, आप भी पार्टिसिपेट करें, हिस्सा लें और बताएं कि नौकर और गुलाम में क्या फर्क है, एक एक फर्क बता सकते हैं। गुलाम खरीदा हुआ, अच्छा, गुलाम भाई कह रहे हैं कि गुलाम जो है उसे खरीदा हुआ है, और जब खरीद लिया तो मेरा ख्याल वो प्रॉपर्टी की तरह है, उसकी अपनी हैसियत ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी है। और जो नौकर है वो थोड़े वक्त के लिए काम करता है, और उजरत। अब और कोई अगर फर्क बताना चाहे फिर हम उस पर बात करते हैं। नौकर हमेशा हुक्म मानता है, नौकर हुक्म मानता है, गुलाम गुलाम भी हुक्म मानता है, लेकिन गुलाम पर लागू किया जाता है। अब थैंक यू पास्टर साहब। अब जब हमने देखा कि नौकर और गुलाम का क्या फर्क है, भाई ने बड़ी अच्छी बात बताई कि गुलाम की कीमत अदा कर दी, और अब उसका अपना कोई तशख्स नहीं रहा, उसका कोई पर्सनैलिटी ही नहीं रही, उसकी अपनी कोई मर्जी कुछ नहीं है, और उसका मालिक जिसने उसको खरीदा है जो वो चाहेगा वो करेगा। लेकिन नौकर जो है
उसकी, और फिर गुलाम जो वो 24 घंटे गुलामी में है, बॉन्डेज में है, ऐसा ही है। और नौकर की ड्यूटी आवर्स होता है कि 9 से 5 काम करेगा और फिर उसके बाद 5 बजे के बाद उसकी मर्जी, उसकी अपनी जरूरी। लेकिन गुलाम जो है वो, और जहां जहां नए अहनामे में मसीही खिदमत का जिक्र हुआ वहां बार बार यूनानी जबान का लफ्ज डुलोस इस्तेमाल है। ये है मसीही खिदमत, ये तकाजा करती है कि आप गुलाम हैं, आप क्योंकि कीमत से खरीदे गए, क्योंकि आपकी कीमत यीशु के बेशकीमती लहू से अदा हुई है, इसलिए अब आपका अपना कोई तशख्खुस नहीं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन जो भी है वो मसीह के अंदर, आपकी शनाख्त मसीह यीशु के अंदर है, और आपकी कोई मर्जी नहीं, आप अपने भेजने वाले हैं। अब हम जल्दी से अपने आज के मेन हवाले की तरफ आते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप में से कोई बहन या भाई मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील उसका 13वां बाब और उसकी पहली 17 आयात हमारे लिए बाबा से बुलंद और क्लियरली जरा पढ़े। इधर फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया के मेरा वो वक्त आ पहुंचा के दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब अबलीस शमौन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जान करके बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी है और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा, इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पत्रस तक पहुंचा, उसने उससे कहा, आए खुदावन क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता मगर बाद में समझेगा। पत्रस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पत्रस ने उससे कहा, आए खुदावन सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं बल्कि सरासर पाक है और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं। क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। आमीन। 17वीं आयत तक सॉरी। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावन कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूँ। और जो मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोने धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो, बशर्ते उन पर अमल करो। आमीन। थैंक यू भाई। अब ये हवाला जो आपके सामने तलावत किया गया ये बहुत मशहूर हवाला और हम सब ने इसके ऊपर बारहा जो है वो मुनादी सुनी है। और जब भी ईस्टर आता है तो पाक हफ्ते के अंदर हम होली थर्सडे के दिन जब हम आखिरी फसा की इबादत करते हैं तो हम इसी हवाले में से सीखते हैं। आज हम जरा इसको थोड़े अलग तरीके से देखेंगे क्योंकि जब हम देखते हैं तो हम बहुत रस्मी तरीके से देखते हैं कि यीशु ने पांव धोए फिर उसने रोटी तोड़ी, लेकिन आज हम देखेंगे कि इसमें हो क्या रहा। और मेरा ईमान है कि खुदावंद का कलाम हर सब ताजा है और खुदावंद हम जितनी बार भी उसके कलाम में से गुजरे और बार बार हम उसी कलाम को पढ़े तो हम नई चीजों को सीखते हैं। अब हम यहाँ पर एक मैं चाहती हूँ कि आप अपनी आंखों के सामने उस मंजर को देखें, ठीक है? ये स्टोरी की तरह हम इसको देखेंगे
और ये क्या हो रहा है, कब की बात है? पैसेज के बिल्कुल शुरू में लिखा है कि ईद फसा से पहले, यानी कि ईद फसा के दिन करीब है। और दूसरा वक्त क्या है, यीशु के इस दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाने का वक्त है। ये वाक्य कब पेश आया, ईद फसा से पहले और उस वक्त के करीब जब यीशु के इस दुनिया से रुखसत आने का वक्त आ गया। अच्छा, ये सब कुछ होगा रहा है, हम जरा इसके कॉन्टेक्स्ट को भी देखेंगे, ये सब कुछ कहाँ हो रहा है। हम हवाला नहीं खोलेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मरकस की इंजील के 14वें बाप की 15वीं आयत में और लूका 22:11 में इसका जिक्र है। हम सबको पता है कि ये एक बाला खाने, हमें पता है कि यीशु के शागिर्द उससे पूछते हैं कि तू कहाँ चाहता तेरे लिए फसा, और डिटेल्स हमें पता है, जगह कौन सी है, हुआ कब, ईद फसा से पहले और यीशु के पकड़वाए जाने और मसलूब किए जाने के करीब वक्त आ गया, यीशु जाने वाला, और आखिरी खाना वो अपने शागिर्दों के साथ खा रहे हैं। और कहाँ खा रहे हैं, एक बाला खाने में। अब इस स्टोरी में हमें नजर कौन कौन आ, यीशु, और एक बड़ी प्यारी बात आपने पढ़ी है भाई, लिखी हुई है कि उन लोगों के साथ जिनसे वो मोहब्बत रखता था और आखिरी वक्त तक, ठीक है, आखिर तक उसने क्या किया, उनके साथ मोहब्बत रखी। हम जानते हैं कि जब हम किसी से मोहब्बत रखते हैं तो हम चाहते हैं कि हम अपना वक्त उसके साथ गुजारें, और बिलखसूस आखिरी वक्त। लोगों की ख्वाहिश होती है कि आखिरी वक्त जो है वो अपने, हम बचपन से स्टोरीज में सुनते आए हैं, बादशाह जब मरने वाला था वो बहुत बीमार था, उसने अपने तीनों बेटों को इकट्ठा किया, हम हर स्टोरी में यही देखते हैं। तो ये एक इंसानी फितरत है कि जब वक्त करीब आ जाता है और जब हम जाने वाले होते हैं तो हम चाहते हैं कि अपने प्यारों के साथ और इस दुनिया में जो उसके लोग थे जिनसे वो मोहब्बत रखता था उनके साथ। अब हमें देख लिया ये कब हुआ, कहाँ हुआ और कौन कौन था, अब हम जरा गौर करते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और यहाँ पे हो ये रहा है कि यीशु अपनी शादी, हो ये रहा है कि वो उनकी खिदमत करता है, और हो ये रहा है कि खुदावंद और उस्ताद जो है वो एक खादिम बन गया, वो अदना बन गया है। अगर हम इसके, ये जो पांव धोने का काम है, इसके अगर हम इसकी डिटेल्स को थोड़ा सा देखें और इसके तारीखी और सकाफती पस मंजर को देखें, हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड को देखें, तो पांव धोना कोई बड़ी इज्जत की बात नहीं समझा। यीशु जिस दौर में था, पांव धोना जिल्लत की बात समझा जाता था, और पांव धोना जो है वो सबसे छोटा और अदना काम समझा जाता था। अब पांव धोए क्यों जाते थे, पांव इसलिए धोए जाते थे क्योंकि यीशु के दौर में हम सबने वो मूवीज देखी हुई हैं जो यीशु की जिंदगी पर बनी हैं, और हम देखते हैं उनके खास किस्म के सैंडल्स होते हैं, और वो वाकई सही इंस्पायर्ड मूवीज आए क्योंकि वो रोमन्स के दौर में उसी तरह के जूते पहने जाते थे, और हमने देखा वो खुले से सैंडल्स होते थे, फ्लैट होते थे, और ज्यादातर सफर जो है वो पैदल किया जाता, ठीक है, वो उस टाइम यीशु के दौर में उम्र और तरीन नहीं आती थी, वो ज्यादातर सफर जो है वो पैदल किया करते थे, तो वो पैदल सफर करते थे तो उनके पैर मिट्टी से गंदे होते थे क्योंकि वो सैंडल्स पहनते थे और फ्लैट होते थे, सैंडल्स खुले और फ्लैट होते थे जिसकी वजह से उनके पाँव गंदे हो जाया करते, और घर के अंदर उनको जूते उतार के एंटर करना होता था इसीलिए पाँव धुले जाते थे, और जब भी बाहर से कोई घर के अंदर दाखिल होता था तो वो पाँव उसके धोए जाते थे। अब पाँव धोता कौन था, पाँव जो है सबसे पहले तो गुलाम अपने आका के पाँव धोने थे, और ये जो पाँव धोना एक तो इसलिए भी धोने होते थे क्योंकि उनके पाँव मिट्टी से भरे हुए, लेकिन इसलिए भी कि गुलाम के ऊपर अपने तसल्लुत का और अपने इख्तियार का इजहार किया जाए, इसलिए भी किया जाता था। अच्छा, जो गुलाम अपने आका के पाँव धोता है वो तो मुकम्मल तौर पर उस सबमिशन का या ताबेदारी का इजहार है कि मैं इसके ताबे हूं। फिर दूसरी एक और केस है जिसमें पाँव धोए जाते थे, वो बीवियां अपने शौहरों के पाँव, क्योंकि हम जानते हैं कि यहूदी कल्चर जो है वो बड़ा मेल डोमिनेटिंग कल्चर था। हम अगर पुराने अहदनामे में देखें और अगर हम यहूदी हिस्ट्री को देखें तो यहूदी जो है वो यहूदी कल्चर में औरत की कोई इतनी इज्जत नहीं थी,
और औरत को बहुत निचले दर्जे का और बहुत कमतर समझा जाता था। इसलिए तो वो जब हर सुबह यहूदी मर्द के दुआ करता है तो खुदा का शुक्र किन बातों के लिए करता है? सबसे पहले कि तूने मुझे गैर कौम नहीं बनाया, और दूसरा तूने मुझे इसकी तरह औरत नहीं बनाया, तूने मुझे मर्द बनाया। तो औरत जब शोहर जब अपने बीवी जो अपने शोहर के पांव होती थी वो भी उस ताबेदारी का भी इजहार है और उस मोहब्बत का भी इजहार है जो बीवी अपने शोहर से रखती। अब अगर बहुत सारी मेड्स और मुलाजमाएं किसी घर में हुआ करती थी तो भी ये फर्ज बीवी ही का था कि जब शोहर बाहर से आए उसके पांव धुलाए, उसके हाथ धुलाए, उसका मुंह धुलाए, और जो शोहर के जो पर्सनल काम है जैसे कि बेड कवर्स, उसके खाने और पीने का ध्यान, वो औरत की जिम्मेदारी है, बेशक उनके घर में जितनी मर्जी मुलाजमा है। तो वो बीवी ही अपने शोहर के लिए काम। फिर तीसरा एक और केस है जिसमें पांव धुलते हैं वो है कि बच्चे अपने बाप के, अपने वालिद के पांव धोया करते हैं, वो भी उस ताबेदारी का और अपने बाप के इख्तियार का और अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए बच्चे जो है वो अपने बाप के पांव धोया करते थे। और फिर हम जानते हैं कि यहूदी जो सकावत थी उसमें रबी और शागिर्द का कल्चर हम यीशु से पहले अच्छी तरह से, बल्कि उस दौर में भी रबी मौजूद थे, ठीक है। तो शागिर्द जो है वो अपने रबी के पांव पर, शागिर्द जो है वो अपने उस्ताद के पांव धोया करते थे। और ये जो ये केस है इसमें वो अपनी रिस्पेक्ट का इजहार करते थे, वो उस ऑनर का इजहार करते थे, उस इज्जत का और उस ताबेदारी का इजहार करते थे जो वो अपने रबी, अपने उस्ताद के साथ रखते थे। और एक और केस है जिसमें पांव धुलते थे, वो जब किसी को अपने घर खाने में बुलाया जाता था, मेहमान दावत में बुलाए जाते थे तो पहले उनके पांव धुलाए जाते थे। और अगर किसी घर में पांव नहीं धुलाए जाते थे ना तो इसको बुरा समझा जाता था, ये मेहमान नवाजी का तकाजा ही नहीं था कि मेहमानों को घर बुला के उनके पांव धुलाते थे। जिस तरह कभी कभार हमारे अपने स्टैंडर्ड हैं, अगर किसी खाने में डिजर्ट नहीं है किसी दावत में तो बुरा माना ही जाता था कि उन्होंने खाने में बुलाया मीठा ही था। तो उस दौर में खाने पे बुलाया मेहमान नवाजी का सबसे बड़ा तकाजा ये है कि आपने मेहमान के पांव धुला। अब हम इस स्टोरी को देखते हैं कि हमने देख लिया कि ये कब हो रहा है, ठीक है, कहाँ हो रहा है और इसमें क्या क्या हो रहा है। अब हम जरा छठी आयत को देखेंगे। हमने देखा है कि क्या करता है यीशु जो है वो अपना, यहाँ पे लिखा है अपने कपड़े उतारे, यानी कि ऊपर का चोगा उतारा और अपने कमर पे एक रुमाल बांध लिया। एक और ट्रांसलेशन में मैं पढ़ रही थी कि उसने अपना ऊपर का चोगा उतारा और अपनी कमर के साथ एक तौलिया बांधा और वो फिर बेसन बर्तन में पानी डालता है और शागिर्दों के पांव धोने लगता है। अच्छा, शागिर्दों के पांव धोने लगता है। और इस स्टोरी में एक चीज जो है वो हमें बड़ी बखूबी पता है और वो छठी आयत में पतरस का रिएक्शन है। वो कहता है वो नहीं धुलाना चाहता, वो इनकार करता है, ठीक है। हम यदि पतरस के अगर किरदार के बारे में हम देखें तो हम जानते हैं कि पतरस एक जज्बाती शख्स था, वो बहुत इमोशनल और जोशीला किस्म का शख्स था। और यीशु अपने शागिर्दों के पांव धो रहा है और जब आती है शमाऊन पतरस की बारी तो वो क्या कहता है यीशु से, तू मैंने खुदाऊं ये क्या मैं नहीं धुलाऊंगा। और फिर रिजिस्ट करता हुआ कहता है कि तू अब तक मेरे पांव धोने नहीं पाए। पतरस ऐसा इनकार क्यों करता है? पतरस ये इनकार इसलिए करता है क्योंकि वो यहूदी रस्म और रिवाज का कट्टर पैरोकार था, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता था और वो जानता था कि ये वाक्या जो है वो खाने के फौरन बाद पेश आया और ये कोई वेलकम तो हो नहीं रहा मेहमानों का, खाना तो हम खा चुके, ठीक है। दूसरा केस क्या था, वो ये भी जानता था कि हम यीशु के आका और यीशु हमारा गुलाम नहीं है, ये पांव धोना वो एक्सप्रेशन भी नहीं है, फिर ना ही तो ये बीवी के शोहर के पांव धोने वाला एक्सप्रेशन है, वो इजहार भी नहीं है। और ना ही ऐसा था कि शागिर्द जो है वो रबी बन गया, रबी शागिर्द बन गया, इसीलिए पतरस जो है वो रिजिस्ट करता है। लेकिन यीशु से एक बात कहता है, तू अभी तक नहीं जानता
लेकिन बाद में तू समझ जाए, तू जानेगा। और फिर क्योंकि वो एक जोशीला और जज्बाती शख्स है, तो कहता है अच्छा फिर तू मेरा साथ भी, ठीक है। फिर यीशु उसे समझाता है कि नहीं, जो नहा चुका उसे सिर्फ पांव धोने की जरूरत है, ठीक है। वो जब यीशु से कहता है, और एक बड़ी अहम बात है कि यीशु से कहता है कि अगर तू मेरे से पांव नहीं धुलाएगा तो तेरा मेरे से कोई हिस्सा ही नहीं। और इस बात पे जब वो कॉन्शियसली इसको सोचता तो उसको समझ आती है कि यीशु के साथ गुस्सा पाने के लिए मुझे उसे पांव धुलाना जरूरी। अब मैं जब खुदा के कलाम को पढ़ रही थी और जब मैं स्टडी कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि जब यीशु एक एक करके अपने शागिर्दों के पास जा रहा था, उनके पांव धो रहा था, तो यीशु उनके पांव को देख के धोते हुए क्या सोच रहा था। गालिबन वो ये सोचता हो कि ये मैंने आज तक दुनिया में जितने भी पांव देखे हैं ये सबसे खूबसूरत पांव है, ये सबसे बेहतरीन पांव है। और वो ऐसा क्यों सोच रहा हो? वो ऐसा इसलिए सोच रहा होगा क्योंकि वो जानता था कि ये उन आदमियों के पांव है जो मेरी इंजील की खुशखबरी को जमीन और इसकी इंतहा तक लेकर जा। फिर वो ये भी सोच रहा होगा कि ये उन आदमियों के पांव हैं जो मेरी खातिर अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, मेरी खातिर अपनी जान को जो है वो नजराना की तरह पेश करने वाले हैं। इसलिए वो बड़े, मैं सोच रही थी, वो बड़े प्यार से उनके पांव धो रहा होगा और वो बहुत कुछ सोच रहा होगा और अपने अपनी मोहब्बत का इजहार इस तौर से कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं कि यीशु ने जब उनके पांव धो लिए तो फिर क्या होता है। 14वीं आयत जरा एक बार फिर से पढ़िए, यीशु 14वीं और 15वीं आयत। बस जब मुझ खुदावन और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। हम आज क्योंकि हम मसीही खिदमत के बारे सीख रहे हैं, तो जरूर है कि हम एक नमूने को सामने रखें, एक मिसाल को सामने रखें। और इस हवाले में यीशु खुद कहता है कि मैंने तुम्हें एक नमूना दिया, मैंने तुम्हें नमूना दिया। और फिर क्या कहते हैं कि जब मैं खुदावन मैं तुमसे बड़ा, मैं तुम्हारा मालिक, मैंने पांव धोया तुम्हारे लिए कितना जरूरी है। अच्छा जब ये बात यीशु ने कह दी, शागिर्द थे वहां पर मौजूद, फिर मैं सोच रही थी कि शागिर्दों का क्या रिएक्शन होगा। यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन उन्होंने जरूर सोचा होगा कि हाँ जरूर ये आदमी मेरे साथ 3 साल से, हर शागिर्द सोचता होगा हम 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं और हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मैं इनके पांव जरूर धोऊंगा और मुझे इस चीज में कोई मसला नहीं, ऐसा सोचा कौन शागिर्दों ने। लेकिन एक मसला तो था और वो मसला क्या था वो अब हम देखते हैं जरा। और इसमें मसला ये था कि एक छोटी सी तफसील है इस कहानी में, एक छोटी सी तफसील है जिसको अब तक शागिर्द नहीं जानते, लेकिन उस तफसील को यीशु बखूबी जानते। और क्योंकि यीशु उस तफसील को जानता है तो ये तफसील जब खुलती है तो ये सब कुछ को बदल के रखने का पोटेंशियल, इस तफसील के अंदर ये सलाहियत है कि वो सब कुछ को बदल के रख। एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि 11वीं आयत को पढ़िए। क्योंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था इसलिए उसने कहा तुम सब पाप नहीं हो। अब जब पतरस जो है वो मुजाहमत करता है, पतरस कह रहा है कि भाई मैंने नहीं अपने उस्ताद से पांव धुलवाने, कभी नहीं धो सकता। और जब यीशु उसको कहता है कि नहीं तुझे धुलवाने जरूरी है, तो वो कहता है कि अच्छा हमने अभी थोड़े कुछ मिनट्स पहले हमने देखा कि पतरस के बड़े जोशीले अंदाज में कहते हैं नहा सकते। यीशु ने कहा नहीं तुम पाप हो, और जो नहा चुका है वो पाप है, उसको सिर्फ इतना ही जरूरी है कि वो पांव धुलवाने। लेकिन फिर यीशु एक और बात कहता है कि तुम सबके सब पाप। क्यों कहता है? क्योंकि वो एक को जानता है जो उसे पकड़वाने वाला है, वो जानता है। अच्छा यीशु पहले से ही जानता है ये यहूदा इस्करियोती मुझे धोखे से पकड़वाने वाला है, फिर भी यीशु ने उसके पाप। अब ये जो डिटेल है इससे ना स्टोरी का रुख बिल्कुल ही बदल जाता। अच्छा पहले हम देख रहे थे कि यीशु
सोच रहा होगा कि हाँ यार ये 12 वो लोग हैं जो मेरी इंजील की मनाती भी करेंगे, मेरे लिए अपनी जाने भी दे देंगे, फिर तो बनता है प्यार से उनके पाप। लेकिन उसको पता है कि एक पाप नहीं है, फिर भी उसी प्यार से उसके पाँव धोए, उसी मोहब्बत से उसके पाँव धोए। और यीशु का ये जो अमल है, यीशु का ये जो एक्ट है, वो इसको बिल्कुल ही स्टोरी को बिल्कुल एक नया रुख देता है, इस वाक्य को बिल्कुल ही एक फर्क रुख देता है। यीशु जानता था कि यहूदा उसे धोखा देने वाला, उसे धोखे से पकड़वाने वाला, तो भी उसने यहूदा के पाँव धोए। ऐसा नहीं हुआ सबके पाँव धो रहा है धो रहा है धो रहा है, जब यहूदा की बारी आई तो उसको कहता नहीं 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 तू नहीं, तेरे तो मैं कभी भी नहीं धोऊंगा क्योंकि तू तो मुझे धोखा देने वाला है, तू धोखे बाज है, यहाँ से दूर हो। पर यीशु जो है वो उसके पाँव धो, हालांकि यहूदा यीशु को धोखा देने वाला और धोखे से पकड़वाने वाला था, और यीशु ये बात जानता भी था। चलो वो धोखा तो देने ही वाला था, पर यीशु ये बात जानता भी था, और ये सब जानते बूझते यीशु ने उसके पाँव फिर भी धोखा। अब अभी फिलहाल तो शागिर्दों को कुछ नहीं पता, अभी तक तो शागिर्दों को नहीं पता, इसके बाद फिर वो खाना खाते हुए भी उनको नहीं समझ आई कि कौन पकड़वाएगा। हमें हमें इस स्टोरी का पता है कि यीशु कहता है कि तुम्हें से एक मुझे पकड़वाएगा, तो सब पूछने लगते हैं वो कौन है वो कौन है, वो सब नहीं पता चलता। लेकिन आपको याद है गतसमनी में जब यीशु को वो पकड़वाने आया, तो यीशु के भोसा देकर, ठीक है, तो वहां पर मैं सोचती हूँ कि तो जब शागिर्दों को पता लगा होगा कि यीशु को पता था कि यहूदा, क्योंकि उनको तो खाने में जब जिक्र हुआ और यीशु ने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़ा, तो जब शागिर्द वहां पर मौजूद थे और पतरस ने फिर अपने जोश का इजहार तलवार निकाल के किया, तो वो सोचते होंगे कि एक मिनट उनका क्या क्या रद्द है, मतलब वो बिल्कुल चौंक गए होंगे। मैं समझती हूँ अगर मैं इस वक्त वहां पर मौजूद थी तो मेरा भी यही लगता, और मैं कहती कि एक मिनट, यीशु ये जानता था कि यहूदा इसको धोखा देने वाला है, धोखे से पकड़वाने वाला है, इसने फिर भी उसके पांव धो दिए, इसने फिर, और फिर वो शागिर्दों को याद आया होगा कि इसने तो हमें भी कहा जैसा मैंने किया, तो उनको ये भी याद आया होगा कि जैसा मैं करता हूं वैसा तुम भी करो। अब यहां से हमें ना हमारे आज के बाज का मरकजी ख्याल हो, और वो मरकजी ख्याल क्या है कि लोगों की खिदमत करें तब भी जब वो इस काबिल ना हो, तब भी जब वो इस लाइक ना हो। सर्व अदर्स व्हेन इवन दे डोंट डिजर्व इट, जब वो डिजर्व नहीं करते, जब वो इस लाइक नहीं है, जब वो इस काबिल नहीं है, तब ही जो है उनकी खिदमत करें। हम ये मरकजी ख्याल आज की इस कहानी से। अब ये बात बिल्कुल, मैंने पहले जिक्र किया कि ये बात बिल्कुल अलग होती अगर यीशु को पता था कि ये 12 हैं और ये मेरे लिए ना जान देने तक वफादार रहेंगे। लेकिन यीशु, जब हम यीशु के इस अमल को देखते हैं, तो जो है वो मानी बिल्कुल बदल जा, जैसा मैंने कहा कि कहानी का रुख बदल जा, कहानी बिल्कुल ही एक फर्क मोड़ ले लेती है और एक ट्विस्ट आ जाता है, ठीक है। तो यीशु ये बात जानता था कि मुझे धोखे से पकड़वाने वाला है, तो भी उसने उसके पांव धोए, उसने फिर भी उसकी खिदमत की, और फिर शागिर्दों को क्या कहता है कि तुम भी ऐसा ही करो जैसा मैंने तुम्हारे साथ। तो इसका क्या मतलब है, इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं यीशु उनको क्या सिखाना चाह रहा था, यही तो वो चीज है जो वो पतरस को कहता है कि तू अब नहीं जानता तो बाद में समझेगा। इसका मतलब वो गतसमनी में पतरस समझ गया होगा, यीशु उनको क्या कह रहा था कि लोगों की तब भी खिदमत करो जब वो इसके लायक भी ना हो, जब वो इसके काबिल भी ना हो, उनकी तब भी खिदमत करो। और यीशु मुझे और आपको भी आज यही कहता है कि लोगों की तब भी खिदमत करें जब वो इसके काबिल। अब मुझे ये भी पता कि ये काम बहुत मुश्किल, ये कोई आसान काम, ये बिल्कुल भी कोई आसान काम नहीं। और मैं ये भी सोच रही थी, खैर जब मैं स्टडी कर रही थी तब मैंने ये भी सोचा, लेकिन आज सुबह मेरे दिल में एक ख्याल आया कि हमने ये तो देखा कि यीशु पांव धोते हुए क्या सोच रहा होगा, और जब यीशु ने शागिर्दों को कहा कि तुमने भी एक दूसरे के पांव धोने हैं, तो शागिर्द क्या सोच रहे होंगे, उनका तो अच्छा रिएक्शन था कि हाँ हाँ क्योंकि हम साथ रहते हैं। लेकिन आज सुबह मैं सोच रही थी कि यहूदा क्या सोचता होगा, पहले
पहले यहूदा क्या सोचता होगा जब यीशु उसके पांव धो रहा था? पहले तो यीशु को बड़ा बेवकूफ समझा होगा कि ओ जी इसको पता ही नहीं ये इतना पागल है, वैसे रब्बी बना फिरता है, वैसे लोगों को शिफाएं देता है, मुर्दों को जिंदा करता है, ये पागल है, इसको पता नहीं मैं पकड़वाने वाला हूँ, फिर भी मेरे पांव धो रहा है। और जब और फिर एक और इसमें ना बहुत वेस्टर्न टर्म्स मुझे नजर आए जब मैंने इसका मुताला किया कि जो गच्छमी में उसको पकड़वा दिया होगा तब यहूदा की आंखें खुली की खुली रह गई होंगी, क्योंकि यीशु क्या कहते तुमने आदम को बोसा देके पकड़वाता है, तो यहूदा चौंक क्या होगा कि ये जानता था इसने फिर भी मेरी खिदमत की। तो हाउ अमेजिंग यीशु की खिदमत का लेवल ही बिल्कुल ही अलग है, और फिर वो हमसे भी तो करता है इसी किस्म की खिदमत, बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिल्कुल इसी किस्म की खिदमत। अब क्योंकि मैंने जिक्र किया कि ये जो काम है ये बहुत मुश्किल है, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम, और खास तौर पर उन लोगों की तरफ से जो लोग हमारे बहुत करीबी हैं, हम उनसे बहुत मोहब्बत रखते हैं और हम तवक्को नहीं करते कि वो हमें तकलीफ पहुंचाएंगे। आपके दोस्त हैं, आपका खानदान है, आपकी बीवी, आपका शोहर है, आपके बच्चे और आपके माँ बाप हैं, लेकिन ऐसा होता है वो आपको फिर भी तकलीफ पहुंचाते हैं, इंसानी जिंदगी में ये चलता रहता है, लेकिन फिर भी आपको उनकी खिदमत करनी, तब भी जब वो इस काबिल है, तब भी जब उन्होंने आपको तकलीफ दी और वो इस काबिल नहीं है, आपको तब भी उनकी खिदमत करनी है, क्योंकि यीशु ने उनका भी खिदमत, और यीशु कहता है कि तुम भी ऐसा ही करो। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये कोई ऑप्शनल कमांड है, ये कोई ऐसा हुक्म है जिसको यीशु ने ऑप्शन के तौर पर दिया, और ये कौन सी आयत में था जरा हम देखते हैं, जब वो छुपा दूं। अच्छा यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा दिल चाहे तो तुम इसको करो, वरना ऐसा कुछ भाई ने पढ़ा ऐसा लिखा है पास्टर साहब कि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। तो ये तो नहीं लिखा कि अगर तुम्हारा दिल चाहे तो कर लो, नहीं तो फिर रहने दो। अच्छा अब कभी हम ये सोच सकते हैं कि शायद ये कोई ऑप्शनल हुक्म है या यीशु ने हमें चॉइस दी है कि भाई अगर कर सको, अगर दिल माने तो कर लो, नहीं तो फिर फर्ज है, हुक्म है। हाँ जी, और ये कैसा हुक्म है? ऑप्शनल हुक्म नहीं है। अच्छा, हकीकत ये है कि कहानी के आखिर में जो है यीशु शागिर्दों से क्या कहता है 16वीं आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। हाँ जी, 16वीं आयत में यीशु कहता है कि नौकर अपने मालिक से बेहतर नहीं है और भेजा हुआ भेजने वाले से बेहतर है। एक और जो नया ट्रांसलेशन है उसमें मैं पढ़ रही थी, उसमें लिखा हुआ है कि पैगाम लाने वाला पैगाम भेजने वाले से बड़ा नहीं है। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, पैगाम मेरा नहीं है, पैगाम खुदा का है, ठीक है, और मेरी हैसियत नहीं है पैगाम भेजने वाले की हैसियत, तो पैगाम भेजने वाले से मैं कभी भी बड़ी नहीं हो सकती, और जो भी पैगाम लाता है वो बड़ा नहीं है, पैगाम भेजने वाला बड़ा, और नौकर अपने मालिक से या गुलाम अपने मालिक से कभी भी बड़ा नहीं है। तो जब मालिक ने ही ये काम किया है तो फिर हम क्यों नहीं। दरअसल यीशु ये बात कह रहा है कि अगर मैंने किया और मैं तुमसे बेहतर, यही बात है ना कि नौकर अगर बेहतर नहीं तो बेहतर कौन है, यीशु दूसरे लफ्जों में यही कह रहा है ना, मैं तुमसे बेहतर हूँ, तो जब मैंने किया तो तुम्हें भी करना है, तुम्हें भी करना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है, और सॉरी ये कोई ऑप्शनल हुक्म नहीं, ये करना ही है, क्योंकि हम अपने मालिक से, अपने आका से, अपने उस्ताद से बेहतर किसी तौर पर भी, और हमारे लिए एक मिसाल का यहाँ लिखा है ना भाई ने पढ़ा कि नमूना दिखाया। और ये नमूना किसी अच्छे मसीही ने नहीं, एक बड़े अच्छे राजबाज क्रिश्चियन ने नहीं, और किसी नेक शख्स ने नहीं, बल्कि उस्ताद ने खुद, बल्कि खुदावन यीशु जो हमारा आका और खुदावन है उसने खुद ये नमूना दिखाया है, ठीक है। अब ये ऐसा अमल है जो हम सबको करना लाजिम है, क्योंकि पास्टर साहब ने भी वो, आपने भी, भाई ने भी वो लफ्ज बताया
फर्ज का जिक्र है। हम अक्सर अपने मुसलमान बहन भाइयों से बात करते हैं, जब फर्ज की बात आती है तो हम कहते हैं हम पे कुछ फर्ज है ही नहीं। कहते हैं ना हम जब वो रोजे की नमाज की बात होती है तो हम बड़ा खुश होकर कहते हैं नहीं जी हम पे कोई फर्ज नहीं है, ऐसे है, हम कहते हैं आजादी है। पर रोजों के मामले में हम बहुत कहते हैं कि नहीं 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 हम पे फर्ज नहीं है, हमारी मर्जी है, हम रखे हैं। ठीक है रोजा फर्ज नहीं है, लेकिन खिदमत फर्ज, मोहब्बत फर्ज। ठीक है हम ये नहीं कह सकते कि मसीहत जो है वो फर्जों से पाक है, बहुत ही आजादी है इसमें। आजादी है पर आजादी गुनाह पे पड़ता नहीं, और फर्ज भी है। फर्ज क्या है? खिदमत फर्ज और मोहब्बत फर्ज है। अब ये जो काम है ये हमने देखा कि ये लाजिम काम है क्योंकि फर्ज का लफ्ज हमने देखा, और यीशु कहता है कि मुझे खुदावन कहते हो, आका कहते हो, खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। तो जब मुझ खुदावन और आका ने किया फिर वो यही कहते होंगे ना तुम। दूसरे लफ्जों में हम अगर आज के दौर में या हमारे पंजाबी कल्चर में इंजील लिखी गई होती तो यीशु हो सकता है कहता तुम कहा कि पन्ने खाना है। ठीक है हो सकता है यीशु कह सकता है तुम अपने आप को क्या समझते हो। ठीक है जब मैं तुमसे बड़ा होके कर रहा हूँ तो फिर तुम क्या चीज, यही यीशु ने इज्जत से यही बात कही है ना कि जब मैं कर रहा हूँ फिर तुम्हारी क्या है, जब मैं तुमसे बेहतर होता हुआ, जब तुम मुझसे बेहतर नहीं तो कौन बेहतर है, मैं बेहतर, और मैं तुमसे बेहतर होता हुआ ये काम कर सकता हूँ तो तुम्हें भी करना ही है। लेकिन मैंने कहा ये काम आसान बहुत मुश्किल काम है, और ये जानते हुए जब हमें पता है कि ये शख्स हर्ट कर चुका है, हर्ट करेगा, धोखा दे चुका है, धोखा देगा, हमें फिर भी ये इस काबिल नहीं है कि इसकी खिदमत की जाए, हमें फिर भी बहुत मुश्किल काम है, तकरीबन नामुमकिन। अगर मैं देखूं क्योंकि मैं कमजोर इंसान, अपनी बात करूंगी क्योंकि मैं एक कमजोर इंसान हूं और मेरे लिए ना बहुत मुश्किल, और जब मैं अपनी कुवत से करने की कोशिश करूं तो फिर तो नामुमकिन ही है, मुझे वो सारी बातें याद आएंगी। पर लेकिन इसीलिए तो खुदावंद यीशु ने रूह कुद्स की कुवत हमें मदद के तौर पर फराहम कर दी ताकि